हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल महक रेसिपीज़। आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल का पुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट, बिल्कुल मार्केट में जैसा मिलता है वैसे ही। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए यूज़फुल हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ बनाने का। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लें, इससे आपको मेरी न्यू वीडियो का अपडेट इंस्टेंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नारियल का बुरादा बनाने के लिए हमें चाहिए एक नारियल की गिरी, यानी बाहर का हार्ड वाला ब्राउन पार्ट निकाल देना है। और नारियल को आप ग्रेट कर लें या फिर ग्राइंड कर लें। तो मैंने नारियल ग्राइंड किया हुआ है। इसे हमें कढ़ाई में डाल देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे ड्राई करेंगे। नारियल का बुरादा बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत सिंपल है इसे बनाना। मैंने पिछली वीडियो में आपको कोकोनट मिल्क निकालना बताया था और जो एक्सट्रैक्ट बचा था मिल्क निकालने के बाद, उसी से मैं आपको डेसिकेटेड कोकोनट बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने सिर्फ एक बार ही इससे मिल्क निकाला था तो बहुत नमी है अभी इसमें। और अगर आप कोकोनट को ग्राइंड करेंगे तो नारियल का बुरादा अच्छा बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। वैसे डेसिकेटेड कोकोनट मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन घर पर आप बनाएंगे तो वो बिल्कुल फ्रेश होगा और ऑर्गेनिक भी होगा। तो अगर आपके पास नारियल है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करें, जैसे कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें नारियल यूज़ होता है, कई लोगों को खाना इतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप नारियल का बुरादा बनाकर रख लें, बहुत काम आता है ये, बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। स्पेशली स्वीट्स इस बुरादे से, कोकोनट के बुरादे से बनाई जाती हैं। और इसे शेक में, स्मूदी में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और ये जो नारियल का बुरादा हम बना रहे हैं, ये मीडियम साइज़ का डेसिकेटेड कोकोनट बनेगा। अगर आपको और ज़्यादा फाइन बुरादा चाहिए तो आप मिक्सर में एक दो बार फिर से इसे चला लें तो आपको फाइन बुरादा मिल जाएगा। और अगर आप ग्रेट करके बिना ग्राइंड किए बनाएंगे तो वो श्रेडेड डेसिकेटेड कोकोनट बन जाएगा। और एक बात आपको ध्यान देनी है, जब आप कोकोनट ग्राइंड करें तो पल्स पर ग्राइंड करें, मतलब रोक रोक के ग्राइंड करें, बीच बीच में किसी स्पून से आप मिक्स करते हुए उसको ग्राइंड करें। एक बार कंटिन्यूसली आप मशीन को ना चलाना, अगर आपको ज़्यादा मिल्क नहीं निकालना तो। और कोकोनट को ड्राई करने के बाद आपको लगता है कि आपको और फाइन पाउडर चाहिए तो आप ड्राई करने के बाद भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप इंटरवल पर यानी कि रोक रोक कर ग्राइंड करें, क्योंकि कोकोनट में ऑयल भी होता है तो वो निकल सकता है। इसे लगातार चलाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं और लो फ्लेम पर ही मैंने इसे ड्राई किया है। अब चेक कर लेते हैं कि कितना ये ड्राई हुआ है। कोकोनट ड्राई हो गया है और इसका कलर भी वाइट है। आप हाथ से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी ड्राइनेस का। अब मैं इसे बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए, बना है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। अब आप इससे कोई भी स्वीट बना सकते हैं या अपनी स्मूदी में, शेक में डाल के इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।